नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा, आप देख रहे हैं पांच की आंच। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं अपर्णा मौजम। और पांच की आंच में बात होगी उस खबर की जिसका सरोकार आपसे है, बात उस खुलासे की जिसके जरिए सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अवैध रेत खनन हो रहा है, वो भी धड़ल्ले से, और प्रशासन मौन है। दिन हो या रात हो, हर वक्त सड़क पर अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर समेत अन्य वाहन आपको नजर आते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो रहा है, लेकिन प्रशासन को कोई टेंशन नहीं है। जब बात कार्रवाई की आती है तो एक दो आरोपियों पर कार्रवाई कर खाना पूर्ति कर दी जाती है। कुल मिलाकर तालमेल के साथ रेत का अवैध खनन चल रहा है, वो भी प्रशासन की आंखों के आगे, प्रशासन की नाक के नीचे ये रेत का अवैध खनन लगातार जारी है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का संरक्षण भी देखने को मिल रहा है। खनन का खेल, सिस्टम फेल। लालच का शिकार चंबल और पार्वती। माफिया के आगे प्रशासन का सरेंडर। खनन माफिया पर बड़ा खुलासा। तो आखिरकार अवैध रेत खनन के खेल पर नकेल कब कसी जाएगी, ये सवाल लगातार उठ रहा है। बिल्कुल, लालच का शिकार बन रही हैं पार्वती और चंबल नदियां। चंबल और पार्वती नदी का सीना छल्ली किया जा रहा है। दिन हो या रात हो, नदी से अवैध रूप से रेत का अवैध खनन लगातार जारी है और प्रशासन इस पर मौन है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन ने माफियाओं के आगे सरेंडर कर दिया। श्योपुर जिले में हर दिन 300 से ज्यादा ट्रैक्टर्स के जरिए अवैध तरीके से रेत का परिवहन किया जा रहा है, और ये सब दिन के उजाले और रात के अंधेरे में हो रहा है। पुलिस और कानून क्या होता है ये माफिया नहीं जानते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे अवैध रेत खनन का काला कारोबार चल रहा है, लेकिन सब जानकर अनजान हैं, या फिर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। रेत का अवैध खनन कैसे हो रहा है, इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर नदी किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली की, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। दूसरी तस्वीर नदी से निकाली गई रेत को ले जाते हुए ट्रैक्टर की। तीसरी तस्वीर सड़क पर खुलेआम फर्राटा भरता ट्रैक्टर, लेकिन प्रशासन बना है अनजान। चौथी तस्वीर रात के अंधेरे में काला कारोबार चल रहा है और प्रशासन बेखबर है। श्योपुर में हर दिन हर रात यूं ही भ्रष्टाचार सड़क पर दौड़ता हुआ नजर आता है। हर दिन 300 से ज्यादा ट्रैक्टर बेखौफ होकर रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। मजाल है किसी की जो इस पर कार्रवाई कर सके। ऐसा लगता है कि प्रशासन रेत माफियाओं के आगे सरेंडर हो चुका है। संदर्भ में जो चंबल नदी से जो अवैध उत्खनन होता है, उसको रोकथाम के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश हैं। सभी अधिकारी उसमें बिल्कुल निगरानी रखते हैं। इसके अलावा 30 आदमियों का बल कंट्रोल रूम में रिजर्व रखा गया है, जिसको यदि कभी माइनिंग वालों को कार्रवाई करनी है या फॉरेस्ट को कार्रवाई करनी है तो उसको तत्काल ये बल उपलब्ध कराया जा सके, कोई बल की परेशानी नहीं आए, तो इसके लिए ये 30 आदमी का बल वहाँ पर रखा गया है कंट्रोल रूम में। और इन अधिकारियों को बताया भी गया है कि जब कभी भी आवश्यकता होती है तो तुरंत वो बल मांगे और उनको मिलेगा। बात अगर कार्रवाई की करें तो पिछले 3 दिन में कुछ एक आरोपियों पर कार्रवाई की गई, जिसका कोई असर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। 3 महीने में 15 आरोपियों पर कार्रवाई की गई, लाखों रुपए की कीमत के अवैध रेत को जब्त किया। प्रशासन ने 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए, कार्रवाई के लिए पुलिस की टीम गठित की। 1 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अवैध रेत खनन रोकने के लिए टीम्स का गठन किया गया है, लेकिन सब ठंडे बस्ते में लग रहा है। पुलिस थानों से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने होकर खुलेआम रेत से लदे ट्रैक्टर भर्राटा भरते हुए नजर आते हैं। सवाल ये कि आखिर कब तक इस काले कारोबार पर रोक लग पाएगी। श्योपुर से दीपक तलोतिया, न्यूज 18। तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से यहां पर नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। दिन हो या रात, कोई भी समय रेत माफिया मानते नहीं हैं। लगातार अवैध रेत का खनन धड़ल्ले से जारी है और अधिक अपडेट के लिए, इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अवैध रेत का खनन मध्य प्रदेश में कोई नई समस्या तो नहीं है, कई सालों से ये समस्या बनी आ रही है और हम देखते हैं इसका नतीजा ये होता है कि जो नदियों के पाट है वो चौड़े होते जा रहे हैं, रेत बची नहीं है और यही वजह है कि आने वाली पीढ़ी के लिए इसमें परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल, अवैध उत्खनन की बात करें तो श्योपुर जिले के जो चंबल और पार्वती नदियां हैं इनका सीना छलनी लगातार किया जा रहा है। दिन रात यहां पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। खास बात यह है कि दोनों ही नदियां जलीय जीवों के संरक्षण के लिए संरक्षित हैं। यहां पर घड़ियाल जैसे जलीय जीव हैं जिनके लिए रेत बेहद आवश्यक है, लेकिन देखा यही जा रहा है कि जहां पर रेता है वहां से खनिज माफिया सक्रिय है और रेत का परिवहन लगातार कर रहे हैं। ऐसे में जलीय जीवों के जीवन पर भी संकट का खतरा मंडरा रहा है। कई जलीय जीवों की मौत भी इन्हीं कारणों के चलते पहले हो चुकी है, लेकिन जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग है, पुलिस है, खनिज विभाग है, इस रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लेता है। जब भी कार्रवाई की बात आती है तो 2 से 3 दिन अभियान चला करके छोटी मोटी कार्रवाई करने के बाद में कार्रवाइयों को विराम दे दिया जाता है, जिसके बाद फिर से जो रेत माफिया है वो सक्रिय हो जाते हैं। तो लगातार लंबे समय से ये चला आ रहा है और नदियों का पाट भी चौड़ा होता जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए एक बड़ी समस्या बनेगी और रेत माफियाओं की वजह से सड़क हादसे भी होते हैं, कई तरह के खतरे भी हो चुके हैं, कई टीमों पर हमला भी उनके द्वारा किया गया है। लेकिन दीपक, सीधे तौर पर प्रशासन सीधे तौर पर ये तो सिस्टम का फेलियर है। ये सिस्टम का ही फेलियर है, क्योंकि अगर प्रशासन और पुलिस चाहे तो नदी से एक कण रेत भी नहीं उठे, लेकिन देखा यही जा रहा है कि सुबह हो या शाम हो या फिर रात हो, लगातार रेत माफिया के वाहन जिला मुख्यालय की सड़कों पर, पुलिस थानों के सामने से, कलेक्ट्रेट और दूसरे विभागों के कार्यालय के सामने से गुजर रहे हैं, जिन पर एक्शन के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब भी एक्शन की बात होती है तो पहले ही रेत माफियाओं को मैसेज कर दिया जाता है ताकि वो अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रख दें, एक दो दिन वो रेत की जो कारोबार है उसे बंद रखते हैं, उसके बाद में फिर से उनका कारोबार धड़ल्ले से चलने लगता है। तो ये सिस्टम का ही फेल्यूअर है जिसकी वजह से बिल्कुल सिस्टम का ये फेल्यूअर है। लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी तमाम जो संबंधित अधिकारी है उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहा है। लगातार हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी अधिकारी इस समय फोन नहीं उठा रहा है। बिल्कुल फोन नहीं उठा रहा, और फोन उठा के अपर्णा कहेंगी भी क्या, क्योंकि कुछ कहने को है नहीं अधिकारियों के पास। हम देखते हैं कि प्रशासन के संरक्षण में ही जो रेत माफिया है वो लगातार पनप रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, श्योपुर जैसे हालात मुरैना में भी हैं, यहां भी अवैध खनन का काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है, शिकायतों की बड़ी बड़ी फाइलें धूल खा रही हैं। पुलिस और वन विभाग की टीमों में तालमेल ही नहीं है, तो कैसे रेत माफिया पर नकेल कसी जाएगी। खनन का काला कारोबार सिर्फ श्योपुर तक सीमित नहीं है, मुरैना में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन प्रशासन आंख बंद किए सब देख रहा है। चंबल के घाटों पर अवैध खनन का मंजर साफ दिखता है, पर्राटे भरते ट्रैक्टरों की आवाज शायद प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच रही। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 40 दिन में 15 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि हर दिन सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे हैं। अभी मुरैना पुलिस के द्वारा इसमें चंबल से जो रेत का परिवहन या उत्खनन होता है उसके संबंध में अनेक कार्रवाई की गई है, और 1 जनवरी से लेकर अभी तक हम लोग लगभग 16 कार्रवाई इसमें कर चुके हैं, जिसमें 16 ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग
1000 से ऊपर, लगभग 1100 के करीब ट्रॉली रेत को नष्ट किया जा चुका है, जो उनका अवैध भंडारण है उसको नष्ट किया जा चुका है। प्रशासन की अनदेखी के कारण रेत माफियाओं के हौसले बढ़े हुए हैं। नतीजा हर दिन अवैध खनन के जरिए नदियों का सीना छल्ली किया जा रहा है। 1 जनवरी से अब तक 15 मामले दर्ज किए गए। 1000 ट्रॉली रेत की डंप की गई, 11 ट्रैक्टर, 4 ट्रॉली जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई में वन विभाग की टीम शामिल नहीं होती है, जिसके कारण रेत खनन माफियाओं पर कम कार्रवाई होती है। देखिए क्या है, बीच में अभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे जो है कंबाइंड टीम बनी हुई है, और इसमें फॉरेस्ट विभाग, माइनिंग और पुलिस सम्मिलित है, और सूचना किसी को भी मिलती है तो तुरंत कार्रवाई में एक दूसरे को सहयोग करके कार्रवाई की जाती है। फॉरेस्ट की कार्रवाई इसमें सम्मिलित नहीं है, अदरवाइज एक फिगर काफ़ी बड़ा हो जाता है, पर उस फॉरेस्ट की कार्रवाई में पुलिस भी हमेशा शामिल रही है। कुल मिलाकर पुलिस और वन विभाग की टीमों में तालमेल का अभाव है, या फिर तालमेल बनाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। कारण कुछ भी है, ये सब मिला जुला खेल है, जिसके चलते खनन माफिया फल फूल रहा है और नदियां अपना अस्तित्व खो रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा है तो नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण कैसे होगा। न्यूज 18 के लिए मुरैना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। तो नदियां जीवन दायिनी कही जाती हैं और अब उन्हीं नदियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। हमारे साथ खास मेहमान मनीष शर्मा, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मनीष जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जरा बताएं अपनी इस आरटीआई के बारे में और किस तरीके से आपने जो मुहिम छेड़ी हुई है, जरा उसका उसके जिक्र कीजिए। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि प्रशासन बेखबर नहीं, बाखबर है। उसका कारण है कि बहुत सारे मुख्य पार्टियों के जो दो पार्टियां हैं उसके नेता कुख्यात हैं अवैध खनन और रेत खनन के मामले में। जब वही व्यक्ति ये रेत खनन अवैध खनन कराएंगे और वही बैठेंगे विधानसभा में, तो कैसे रोक लग सकती है, कैसे प्रशासन के अधिकारी काम कर सकते हैं। एक फोन आता होगा और वो शांत हो जाते होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 50 से ज़्यादा आरटीआई मैंने लगाई हैं विभिन्न क्षेत्रों की, जिसमें महाकौशल क्षेत्र की नर्मदा नदी भी शामिल है, चंबल भी शामिल है। ऐसे 50 नदियों की मैंने अवैध खनन के संबंध में जानकारी हासिल की थी। बहुत चौंकाने वाली जानकारी मुझे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दी गई, खनन मंत्रालय द्वारा, कि पिछले 5 सालों में 52,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं अवैध खनन के पूरे मध्य प्रदेश में। और दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल 10% गाड़ियाँ जब्त की गई हैं और 40% मामले जो हैं न्यायालय में पहुँच पाए हैं। इसका मतलब ये है कि नीचे से ऊपर तक सेटिंग चलती है। इसमें ये कहा नहीं जा सकता कि प्रशासन के हाथ साफ हैं या पुलिस के हाथ साफ हैं या नेताओं के हाथ साफ हैं, सबकी मिलीभगत है। वैसे आपने एक चीज़ हमेशा गौर की होगी, जब भी कार्रवाई होती है तो ट्रैक्टर जब्त होता है, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या ये ट्रैक्टर ड्राइवर ही उसके ऑनर होते हैं? नहीं, ऐसे सैकड़ों ट्रक और सैकड़ों डंपर और सैकड़ों हाईवा के मालिक होते हैं कोई और, कभी भी पुलिस उन तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? ये सारे सवाल हमने उठाए हैं। इन सब मामलों को लेकर हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी याचिकाएं दायर की थी और 2017-18 में 6 माह से ज़्यादा अवैध खनन पूरे प्रदेश में बंद करवाया था। अभी भी मेरी याचिका हाईकोर्ट और एनजीटी में दायर है बहुत सारे मामलों को लेकर। तो कब तक नींद टूटती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।